उरवा थाना में दर्ज मुकदमे के अनावरण करते हुए क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम ने घटना में शामिल अभियुक्त विशाल यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी चोरन खास थाना उरवा बाजार को 8 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त सिम, एक सोने की चेन, एक जोड़ी कैजुअल सू, एक स्मार्ट वॉच के साथ गिरफ्तार किया। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया। उनको बीच कीजिए और उनके बगल में भी एक और किया। बताना चालू कर था, वो 4 लाख का था ना, तो इसकी प्रक्रिया मुकदमा फिलहाल जो भी है, अगर 10,000 का भी होता है, 15,000 जो भी हो, एक 10,000 के नीचे ऊपर मतलब मुकदमा 100% लिखवाता अभियुक्त है। उसमें तो अभियुक्त अज्ञात था, इसकी छानबीन की गई, फिर ये उम्मीद जगेगी इसमें क्या बोलते हैं, अच्छा खासा कार्रवाई हो सकता है, थोड़ा मुकदमा लिखवा करके थोड़ा सी विवेचना हो जाएगी और इसमें मुलजिम पकड़ा जाएगा। फिर साइबर सेल के सहयोग से 4 लाख, ये जो बंदा है अपने चाची का ATM, अपने चाची का ATM के ATM नंबर जानकारी हो गई, जो उसके तीन डिजिट का CVV नंबर होता है उसकी जानकारी हो गई थी, और फिर चाची मतलब उतनी होशियार नहीं है तो जो उनका पिन कोड के चक्कर में, और ये बहुत ढेर सारे ट्रांजेक्शन उन्होंने किया, ये हाँ, तो कुल 4,32,000 का ट्रांजेक्शन उन्होंने किया। कैसे ऑनलाइन, फिर बाद में पेमेंट कहाँ से होना है, तो वही ATM, जो चाची का ATM है, जो चाची का CVV नंबर है और पिन नंबर भी जानकारी होती थी, तो उनका ऑनलाइन हर बार ये चला था, तो हमारे पास आया ये 8/10/19 से 20/8/18 से 26/3/19 तक 20/8/18 हाँ, लड़की शादी के लिए पैसा, लड़की है जो बड़ी है। एक साइबर क्राइम का मामला सॉल्व हुआ है, उसी के संबंध में आज ये PC की जा रही है। 4,32,000 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उसमें शिकायत सही पाई गई, शिकायत सही पाए जाने के बाद मुकदमा लिखाया गया था, फिर उसमें विवेचना से ये जो ATM कार्ड है, ATM कार्ड का इस्तेमाल किया जाना और ये ऑनलाइन मार्केटिंग किया जाना, 4,32,000 की इन्होंने मार्केटिंग किया है। लगभग 7-8 महीने से ये ऐसा करते रहे, और ख़ास तौर से अपने पटीदारी के चाची का ही मामला था, उनके ATM कार्ड के नंबर इनको जानकारी हो गई थी, जो 3 डिजिट का CVV नंबर होता है इसकी जानकारी हो गई थी, अब बाद में जब ये ऑनलाइन पेमेंट होने की बात आती थी तो जो OTP आती थी, तो बगल में चाची रहती थी तो मोबाइल इनके एक्सेस में रहता था, इनके पहुँच में रहता था, OTP जानकारी करके फिर बार बार ये ट्रांजेक्शन होता रहा। तो 4,32,000 का मामला है जिसका आज अनावरण हुआ है, साइबर सेल का मामला है। ये चाची नहीं, पटीदारी की चाची हैं, गांव के इनकी चाची हैं, मतलब ये चाची और भतीजे का रिश्ता है। नहीं, फिलहाल अपने अभी इनका मेरे ख्याल से पहला अपराध है ये, लेकिन 4,32,000 का बहुत बड़ा अमाउंट है ये, अपने शौकों को पूरा करने के लिए जो उनकी आवश्यकता होती थी, ये हेल्थ वॉच है, जो डिजिटल वॉच है, जो रिस्ट में लोग पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के मोबाइल्स, सोने का चेन और ये कैजुअल शू वगैरह, इसी तरह से जो भी इनको आवश्यकता महसूस करती थी। फिलहाल अभी उस तरह से कुछ नहीं, अपना पढ़ाई लिखाई के दौरान ही मतलब ये अपराध की दुनिया में आ गए हैं ये।